नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ ज्योति। सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के समय एसटी एससी ओबीसी के कैंडिडेट के साथ भेदभाव का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन 17 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय फैसला सुनाया है, जिससे इंटरव्यू में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के साथ होने वाला भेदभाव काफी हद तक रुक सकता है। इस फैसले से आरक्षित वर्ग के कैंडिडेटों के साथ इंटरव्यू में होने वाला भेदभाव किस हद तक कम हो पाएगा, पूरे मसले को ठीक से समझने के लिए हमें संविधान में आरक्षण के प्रावधान और आरक्षित वर्ग के कैंडिडेटों के साथ होने वाले भेदभाव के संरचनात्मक कारणों को भी समझना होगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। इस अनुच्छेद में उल्लेखित पिछड़े वर्ग का क्या मतलब है, इसको लेकर संविधान सभा में काफी बहस हुई थी, जिसको सुलझाने के लिए संविधान में तीन और अनुच्छेद 340, 341 और 342 जोड़ दिए गए थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा, जिसके तहत सरकार को जिम्मेदारी दी कि वह एक कमीशन बनाकर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान करेगी। इसके तहत काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग का गठन किया गया, जिनकी सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान हुई। यहाँ एक सवाल उठता है कि इंटरव्यू लेने वालों को कैसे पता होता है कैंडिडेट किस जाति का है। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि भारत में रंग रूप, आत्मविश्वास, सरनेम, पिता का सरनेम आदि से जाति का अंदाजा लगाने का चलन है। अगर उससे कैटेगरी नहीं भी पता चलती है तो उम्मीदवार की अप्रत्यक्ष रूप से जाति बताने का कार्य इंटरव्यू लेने वाला संस्थान खुद करता है। वहीं अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए अलग अलग इंटरव्यू आयोजित करके वह एक तरह से कैटेगरी का खुलासा कर ही देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से निकली व्यवस्था की वजह से कई परीक्षाओं में एससी और ओबीसी का कट ऑफ सामान्य वर्ग से भी ज्यादा जाने लगा है। वहीं एससी एसटी ओबीसी को उम्र और परीक्षा अटेम्प्ट में मिलने वाली छूट अब इन वर्गों के खिलाफ काम करने लगी है। फिलहाल महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की इंटरव्यू में पक्षपात की शिकायतों पर विराम लग सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।